आई के बारे में आपका एक बयान आया था, उसके मैं मकर संक्रांति के दिन हिंगोनिया गौशाला में गया। गौ पूजन के बाद वहाँ पे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ये मैंने कहा कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इस पर कई लोगों ने कई तरह के प्रश्न उठाए हैं। मेरे बोलने का जो आधार था वह अक्षय पात्र की एक मैगजीन है हरे कृष्ण, उसका जो गौ रक्षा विशेषांक है उसमें उल्लेखित है कि विदेशों के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जूलियस एवं डॉक्टर बुक जर्मन ने ऐसा कहा है, और साथ में भारत डिस्कवरी .org उसमें इसका उल्लेख है, भारत कोश में इसका उल्लेख है, और एक धेनु मानस पत्रिका है उसमें उल्लेख है, और एक देवदर्शन .mola साइट है उस पर इसका कोई भी प्रिंट निकाल करके देख सकता है। इसीलिए इस पर जर्मन और इलाहाबाद के कई वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सारे पत्र पत्रिकाओं ने जब इसका उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से इसमें सत्यता होगी, और इसके लिए मुझे लगता है कि भारत के अंदर गौ एक माता के रूप में भी पूजी जाती है और साथ के अंदर इसका श्रद्धा है। तो मैंने इतना कहा कि इस गौ माता के श्रद्धा के साथ साथ इसका जो वैज्ञानिक आधार है वह भी नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए। तो इन मैगजीन्स में जो कुछ उल्लेखित है इसका निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो, और इसका आधार पे हम यदि आज यह एक ऑक्सीजन की बात तो उठी है लेकिन बाकी बातों में भी गौ के दूध में कितने पौष्टिक है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उसे पतंजलि ने भी बहुत अधिक शुद्ध दूध और घी और कई प्रकार की चर्चाएं की हैं। गौमूत्र पे कई दवाइयां भी होकर के लोगों को राहत प्रदान कर रही हैं, और गौ के जो गोबर है उस पे भी जहाँ पे गैस प्लांट भी बने हैं, गोबर गैस प्लांट, लेकिन साथ में उस गोबर के द्वारा जो जैविक खाद है उसका भी उपयोग सामने आने लगा है। तो मुझे लगता है कि गाय के बारे में सारे एक वैज्ञानिक ढंग से जानकारी ले करके और नीचे की पीढ़ी तक इसको ले जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें देश और समाज का एक बहुत बड़ा हित हो। गाय ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है, इस बारे में आपने जो कहा था इसको क्या पूरी तरह से आम जनता तक रखने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास? मैंने चारों कोट किया है, तो इस चारों कोट जो किया है उन मैगजीन्स के आधार पर निश्चित रूप से इसकी चर्चा होगी, और आप चाहें तो ये मेरे पास दो लिखे थे आप इसके ले सकते हैं।